चलें अब क्लास में। यार मैं बस अब एक शेक ले लूं। एक शेक लगाना। Hi, this is Alia. आप कौन? Economics. Oh. वैसे क्लास के बाहर कभी यूनिवर्सिटी में तुम्हें देखा नहीं। वो दरअसल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ट्रांसफर करवाया, तो शायद इसी वजह से। तो यहाँ कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है? No. We can be friends. सोचूंगा। अच्छा चलो तुम सोचो, मैं कैफेटेरिया खाना खाने जा रही हूँ। क्लास में मिलते हैं। ओके लाफ़ेस। किन गाँव में हूँ आजकल? तुम कहाँ से आई और क्या मतलब है तुम्हारा? जानती भी हो इसे जिससे बात कर रही थी? हाँ यार, हमारी क्लास का है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा चलो, खैर उसे मिस कराओ, हम खाना खाने चलते हैं कैफेटेरिया। चलो। अबे यार, सुकून से खाना तो खाने देता। अबे चल अंदर चल। ये क्या मजाक चल रहा है भाई? ड्राइंग तो नहीं यूनिवर्सिटी है, 2 मिनट लेट हुई हूँ सिर्फ। और ये तूफान अजीब है आप। मैं कमिन मैम। पार्टी कल मिस कर दी। चले हम बाहर। रेडी। अरे यार ये कहाँ से आ गई? यार ये बड़ा ही खड़ूस टीचर है, 1 मिनट लेट हो जाऊँ तो अंदर नहीं आने देता। वैसे एक बात बताओ, कैच तुमने बहुत ही कमाल किया आज। वाकई? हाँ, चलो आओ तुम भी खेलो हमारे साथ। क्रिकेट तो बच्चों के खेल है, आओ हम चेस खेलते हैं। यार ना करो, चेस तो दिमाग वालों की गेम है, मेरे पास दिमाग कहाँ। वैसे तुमने बाकी कभी चेस नहीं खेली? ठीक है, ओके। तो वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आप शुरू से ही ऐसी हैं? कैसी? टर्टर? हाँ कह सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैंने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब मैं भी बहुत डरी हुई थी। तो फिर इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? The moment I found friends like my family, my life really changed. Impressive. तो कौन है ये फ्रेंड्स आपके? बट और साद यार, मिले नहीं तुम उनसे? बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, they really gave me confidence. मेरी कॉल आ गई है, मैं सुन लूँ ज़रा। अच्छा अच्छा, मैंने जहाँ पे अप्लाई किया था उन्होंने तो मुझे बुला लिया कल को। मुबारक हो। वाह भाई, इधर तो चेस चल रही है। किसके साथ खेल रही हो? अली के साथ। वो कहाँ है? इतनी फोन सुनने गया था। और क्लास कैसी रही? क्लास का क्या होना था यार, फिर असाइनमेंट मिल गई है। ना करो यार। अच्छा असाइनमेंट से याद है उसमें रीच कितना? उन्होंने कहाँ पर होना, वो तो लाइब्रेरी ही होंगे।
हाँ भाई, क्या करा जा रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बट ने कहा था तुम्हें बुलाऊं। अच्छा, वही अली है ना जिसका तुमने मुझे बताया था? हाँ। तुम्हें अली इतना बुरा क्यों लगता है? या फिर तुम्हें अली इतना अच्छा लगता है कि तुम उससे बात करने से घबराती हो? खैर छोड़ो, चलो कुछ खाने पीने चलते हैं। चलो। हाँ यार, सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा यार, आगे फाइनल्स आ रहे हैं, मुझे ही नहीं समझ आ रही फाइनल्स किस तरह देंगे। सर्दी में तो सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो नींद भी बहुत आती है, और मुझे तो डर है कि मैं शॉर्ट अटेंडेंस मत हो जाऊँ। डर को छोड़ रहे हैं, जो हमारी असाइनमेंट पेंडिंग है उनका क्या करेंगे? हाँ, इतने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट सब। तो भाई उन्होंने असाइनमेंट बनानी स्टार्ट भी कर। वाह भाई, ये सही है। और अच्छे यार, आसान सा तो काम था, अस्मा को कह रहे थे और हम भी कॉपी कर लेते। हाँ यार, मुझसे तो असाइनमेंट्स नहीं होते। सही बात है यार, चलो खैर मिस करवाओ, अस्मा आती तो देखते हैं। अभी तक जो काम किया वो तो दिखाओ जरा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? ओए अस्मा, तुम आ गई, जब असाइनमेंट करोगी मुझे भी बताना, ठीक है? अच्छा चलो, कि तो एक हफ्ता पड़ा है, तो बनाऊंगी तो बता दूंगी। अरे आप तो यहां भी आई। चलो मैं कैसे तक जा रही हूं। थैंक यू। मेरी असाइनमेंट आपकी थी। कौन सी? नहीं भाई, ये तो मैंने भी नहीं। व्हाट्सएप आप अकेले अकेले असाइनमेंट कर रहे हो यहाँ? नहीं नहीं यार, हम सब मिलकर असाइनमेंट कर रहे हैं। बाकी जानता नहीं। अच्छा एक बात, साथ कहाँ पे? साथ तो कैफे की है। अच्छा चल, काम था, मैं तेरे से बाद में मिलता। कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वैसे हिस्ट्री की बुक है। आप मेरी क्लास के हो, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। जी एक कप चाय, थैंक यू। कौन सी क्लास? इकोनॉमिक्स। सॉरी अगर मेरा बुरा लगा आपको बात करना तो। ओह नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था। सॉरी अगर आपका दिल दुखा हो तो। चाय लेंगे? नहीं थैंक चल रहा था अली के साथ। तुम्हें इससे क्या, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ? तुम कब से मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करने लग पड़े? अजीब बात है यार, तुम दोनों में गुरबते कौन नजर आ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा। क्या तुम मेरी दोस्त को कर रही? शाबाश, जो अपने लोगों के यार बट के पास। सही बात है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम अली को इतना घूरती क्यों हो यार? मैं उससे नहीं घूरती, साथ ही मुझे तंग करती है। जी सब पता, चलो सब इनको मार। सही बात है। अरे भाई कुछ सीखो मेरे से, पूरी क्लास में टॉप किया मैंने, मेरा ए ग्रेड आ गया। अरे चल, हमें सबको पता है कि तुमने कैसा नंबर दिया। चल चल चल, तेरे मुंह नहीं लगने का मेरे को। चल अरे छोड़ो यार, क्या हर वक्त ग्रेड और असाइनमेंट्स की बातें करते रहते हो? कोई और बात नहीं कर रहे हो आप लोगों के पास? हां हां, बातें तो बहुत है। तो शायद करें बट साहब, यार बर्गर इतना महंगा हो गया, उसको भी खाना इतना मुश्किल हो गया। अरे बर्गर बस कर दे, तेरे पास खाने पीने के अलावा और कोई मिसाल नहीं होती। ये बात वो बता दे यार, गवर्नमेंट का देखो सिस्टम सारे कोलैप्स कर रहे हैं, पुलिस ब्यूरोक्रेसी अदालतें सब कुछ तो खत्म होने को है। बिल्कुल ऐसे ही है यार, देख अब हमारा भी जो है फसलों का काम है, ठीक है जब क्रशिंग सीजन आता है तो बहुत ही यानी कि जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गन्ने की कीमत क्या है वो? अस्मा को नजर तो नहीं आई सुबह से। अच्छा यार, तो मैं कहाँ था यार? हाँ मैं बात कर रहा था कि हमारी फसलें यार, हुकूमत ने बहुत तंग किया हुआ है यार। अभी हुकूमत लॉकिंग कर देते हैं यार, कभी तो सीरियस हो जाए फिर आप लोग। यार ये अस्मा किधर से आ रही है? अली, इसके हाथ में तो तुम्हारा बैग है।
आने दो इसको, बस इसकी शक्ल देखे घूमे वैसे इस्तीफा दे देगी। अबे ये क्या है? मैं काफी देर से देख रही थी इसे बैग एक्सचेंज करते हुए। तो आज मैंने सोचा कि चेक करना चाहिए कि इसमें क्या है, तो मैंने अली को फॉलो करना शुरू किया। और जब अली ने लाइब्रेरी में बैग रख दिया तो मैंने जाके देखा जो तुम्हारे सामने है। मैंने अब जा रही हूँ सिक्योरिटी ऑफिस। अरे भाई रोको इसे यार, ये मरवाएगी हम सबको यार, रोको इसे, मुझे नहीं पता इस मामले में। मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तो कहे तुम खुद इस्तेमाल करते हो, फिर ये तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? ये मैं बस बैग यूनिवर्सिटी लेके आता हूँ और एक बंदे के साथ एक्सचेंज करता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पैसों की जरूरत थी घर में। चलो यार, चलो यार। अनजान लोग और ये अनजान शहर, जहां दूसरे तो अनजान हैं ही मगर अपने भी अनजान से कम नहीं। अंजाम बेशक सबका मौत है मगर मेरी बेबसी ने मुझे फिर अनजान बना दिया है। पैसे ने मुझे इस कदर गुमराह कर दिया कि मैंने खुद को खुद से अनजान कर दिया।